हे वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। और अभी आ चुके हैं पित्तेश्वर हनुमान मंदिर। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टा पर तो कर लीजिए। बाकी ये है पित्तेश्वर पर्वत, वहाँ ऊपर वहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो अभी आपको मैं चल के दिखाऊँगा। ये दोनों मेरे भाई हैं, दोनों की हालत थोड़ा ख़राब हो गई है। बाकी मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ। फिर भी चलो लेके चलते हैं, आज मेरे पास अपने भाइयों को लेके आए हैं। चलो मैं दिखाऊंगा आज कैसे दिखते हैं। बाकी ये रास्ता है, ये पहाड़ है, पहाड़ कट के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। गाड़ी लॉक कर दिए थे ना? हाँ, गाड़ी लॉक है। पहाड़ ऊपर जाती है, अपन भी चढ़ते हैं। इंक्लाइन अच्छा खासा है और अच्छी बात यह है कि सीढ़ियाँ लंबी लंबी हैं कि आप एक कदम चढ़ के पार नहीं कर सकते, एक सीढ़ी में ही आपको कई कदम चढ़ना है। बाकी डिटेल ऊपर पहुँचने के बाद, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ इस वक्त और हम भी, तो मज़ा आता है ना। ये है हनुमान जी, पित्तेश्वर पर्वत हनुमान जी जिनकी मैं बात कर रहा था। एक बार पहले मैं आ चुका हूँ, लेकिन मैं दिन के वक्त आया था और आज रात का वक्त है और यहाँ पे लाइट शो होता है। मैं ऊपर चल के भी दिखाऊंगा, लेकिन नीचे से इतने अच्छे दिखते हैं, आप देखिए मन प्रसन्न हो जाता है। पित्तेश्वर हनुमान जी बाल स्वरूप है, यहाँ पर सर राजे हैं। जस्ट आरती हुई है ना गुरु जी, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आरती है, सब आरती ले रहे हैं और हम भी, बहुत भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये रावण को जब मुक्का मारे थे तब का है। ये है भीड़ ऊपर जाने की, अरे ऊपर है ना, ये सामने ऊपर सामने जा। ये भाई देखो 85 फीट के हनुमान जी हैं और 45 फीट के गदा है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं उस पर राम नाम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। यहाँ नज़ारा दिखाऊँ आपको भीड़ का? ये परिक्रमा स्थल, आप यहाँ के परिक्रमा कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ। अभी मैं तीन परिक्रमा लगा रहा हूँ, बहुत सुंदर है। Thank you.
बार आ चुका हूँ और मैं दिन पे आया था, रात में एक्चुअली ऐसे दिखते हैं। दिन में तो मैंने बहुत अच्छे से फुटेजेस बनाई थी उनके लिए, लेकिन सुई द व्यू यार, जिस दिन मैं आया था ना उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है। आओ इंदौर तक आओ तो यहाँ ज़रूर आओ, यहाँ नहीं आए तो फिर इंदौर आने का कोई मतलब। और बस फोटोज वगैरह लेनी हो तो ऊपर जाके लेना, ट्विटर का स्टैंड ये है, द्वार यहाँ सामने से पड़ता है, अंदर जाइए ऊपर जाइए सीढ़ी मिल जाएगी और जी भर के दर्शन करो और कहो जय श्री राम। सो दिस इज़ आर छोटा सा रूम टू, दिस इज़ आर बेड, दिस इज़ अलमेरा, सॉरी दिस इज़ अलमेरा, और यहाँ सब बैग वैग रखा है, सामान वामान रख दिया है। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है भाई, वो अपनी कार पार्क है नीचे, अगर आपको दिख रहा होगा, ओके दिख नहीं रहा होगा, सुबह दिखाऊंगा। से बालकनी का व्यू, एक टीवी लगी है, एक मिरर लगा है, ये वॉशरूम है, बस सिंपल सा है, आई लाइक इट। सो अभी नहाएंगे, फ्रेश होंगे, वॉशरूम यूज़ करेंगे और फिर सो जाएंगे, और सुबह निकलना है अपने को 8 बजे वापस रीवा के लिए। सो अच्छे से नींद पूरी करते हैं, सुबह फ्रेश उठते हैं और मैं मिलता हूँ ऑफिस सुबह चेकआउट के समय, है ना। तब तक अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शिफ्ट एंटरवल, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उसका भी नाम एट द सेम शिफ्ट एंटरवल ही है। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में, और मुझे सारी वीडियोस अभी एडिट करनी, मैंने कोई व्लॉग डाला नहीं है, आप जब देखोगे तब मैं वापस घर पे होऊंगा और वीडियोस एडिट करके डाल पाऊँगा, उससे मैंने अभी शूट कर लिया। सो मिलते हैं आपसे, है ना, तब तक अच्छे से सो, खूब मेहनत करो और खूब पैसे कमाओ। चलो, signing off, bye-bye.